अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम आए हैं फरहान बिरयानी ऑलमोस्ट 4 साल बाद। इसका रास्ता बहुत सिंपल सा है। अगर आप गुलशन चौरंगी से आते हैं तो जौहर चौरंगी वाली रोड पर आप सीधा आएंगे और पहलवान गोडा, उसके बाद रुक जाए ट्रेन लेके। पहले ही शॉप जो है वो फरहान बिरयानी की है। फरहान बिरयानी ऑलमोस्ट आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, यहाँ पे दोस्तों के साथ काफ़ी टाइम गुजरा है यूनिवर्सिटी लाइफ में। काफ़ी हमने फ्राइडे को यहाँ पर बिरयानी खाई है और देखते हैं कि आज तक इसका टेस्ट वैसे ही है, चेंज हो गया। फरहान बिरयानी मंगवा के खाते रहते हैं, मगर फरहान बिरयानी एट फरहान बिरयानी कैसी लगती है आज देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली 4 फ्लोर्स तक की बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें फरहान बिरयानी लोकेटेड है। और इस बिल्डिंग में ख़ास बात बेसिकली ये है कि इन्होंने शुरू के 3 फ्लोर जो है वो सिंगल बॉयज़ वगैरह के लिए रखे हुए हैं, जो फ्रेंड्स वगैरह आते हैं ग्रुप्स में वो खा सकते हैं वहाँ पर ईजिली बैठ के। बाकी जो 4th फ्लोर है वो फैमिली हॉल है, तो वहाँ पे इजीली फैमिली ला के आप इंजॉय कर सकते हैं फरहान बिरयानी का टेस्ट। और काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी आई थिंक रिलैक्सिंग माहौल है वहाँ पे, और सारी फैमिलीज होती हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और इजी रहता है। भाई सारा जादू इस केक के अंदर मौजूद है और सारा जायका भी जो है वो इस केक के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि आला क्वालिटी के चावल, आला क्वालिटी का सामान, और यही चीज़ पसंद आती है। भाई जी आ चुकी है हमारी फरहान बिरयानी और अब जो है वो हम लोग इसका टेस्ट चेक करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत खाई है अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में दोस्तों के साथ आकर, लेकिन लेट्स ट्राई कि अब रमज़ानों में ये किस तरह की लगती है और क्या अभी तक उसका टेस्ट ऐसा ही है, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी पास आउट हुए भी तकरीबन 4 साल हो गए। सो लेट्स सी कि हैव दे मेंटेन देयर टेस्ट और नॉट। तो बिरयानी का टेस्ट जो है वो अभी तक वो ही टेस्ट है जो कि यूनिवर्सिटी लाइफ में था, एंड एक नॉस्टैल्जिया सा मुझे भी फील हुआ क्योंकि जब हम दोस्त वाले साथ आके यहाँ पे बिरयानी खाया करते थे। इट इज़ द सेम मोमेंट अगेन एंड आई एम एंजॉइंग द सेम वे। आप देख सकते हैं कि चावल की क्वालिटी और आलू की क्वालिटी के अलावा बोटी वगैरह सब आई थिंक द सेम वे, सो आई थिंक फाइव स्टार फॉर एवरीथिंग। टेस्ट इसका अभी तक वैसे ही है, 4 साल पहले दो का बीच में मैं ग्रेजुएट हुआ था, उससे पहले ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे सारे दोस्त यहाँ पे आते थे, हम भी खाते थे। तो मेरे जो भी दोस्त देख रहे होंगे वीडियो उनको आइडिया होगा कि मैं किस तरह सेल्चे की बात कर रहा हूँ, किस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, बिकॉज फरहान बिरयानी एक वीडियो है जो एवरी आफ्टर एवरी फ्राइडे फ्राइडे खाते थे। तो वो नॉट सेल्चे रिजर्व हुआ अभी और आई रियली एंजॉय इट, बिकॉज टेस्ट वाज सेम, द क्वालिटी वाज सेम एंड सर्विस वाज सेम, सो थम्स अप टू द फ्रेंड। बाकी मुझे यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी, स्पेशली इस भाई की काफ़ी छोटी उम्र का है और काफ़ी दिल लगा के मेहनत से काम कर रहा है, तो मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, काफ़ी मेहनती है भाई। और ये हमारा बिल बढ़ा था 300 रुपये का और ये हमें 1000 रुपये में से बकाया पैसे मिल चुके हैं, तो शुक्रिया भाई, आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। काम किया आपका, बड़ी मेहरबानी। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर कि यहाँ पे सुभानअल्लाह लिखा हुआ है कि जब भी आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं सुभानअल्लाह पढ़ते रहें, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जब भी आप इस तरह की जगह पर खाने पीने आएँ तो अल्लाह का शुक्र भी लाजमी अदा करें और सुन्नत के मुताबिक सुभानअल्लाह कहते भी नीचे उतरें तो सवाब भी मिलेगा और अल्लाह का शुक्र भी अदा हो जाएगा। सो आई थिंक दैट्स अप्रिशिएटिव।